बेटे गए, हमको जो गम नहीं है, गम यह है कि अगर हमारे 40 गए हैं तो उधर 80 मार के आओ। मेरे जो यार दोस्त हैं भाई, चार भाई हो रहे हैं, वहीं पे भेज दो, हम आतंकवादियों को मार के आएंगे। मुझे अपने भाई पर गर्व है, मैं पाकिस्तान से बदला लेना चाहता हूँ मेरे भाई के दुश्मनों से। आंसुओं ने अपना आशियाना बदल लिया है, गम अपना पता ठिकाना भूल गया है, आंखें धोखा देने पर उतारू हैं और दिल ने भरोसा करना बंद कर दिया है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति तो किसी का पिता, देश के लिए कुर्बान हो गए सबके सब, हिंदुस्तान के लिए न्योछावर कर गए। क्या गलती थी उनकी, क्या कसूर था उनका, यही ना कि उन्होंने भारत माता की रक्षा की कसमें खाई थी, यही ना कि उन्होंने देश के दुश्मनों को निस्तनाबूद करने का प्रण लिया था। लेकिन दुश्मन ये भूल गए कि यह हिंदुस्तान है, हजार कोशिशें कर लो, लाख साजिशें रच लो, हम ना टूटे थे और ना ही टूटेंगे। हमारे पास इतनी फोर्सें हैं, इतने सुरक्षा बल हैं, और ये तो आतंकवादी कुछ भी नहीं है, बताओ हम करने क्या इनका खात्मा नहीं कर सकते। तुम्हारी नापाक हरकतें, नापाक मंसूबे ना हमें झुका पाए थे, ना ही कभी झुका पाएंगे। कल के वो क्रिकेटर थे, लेकिन आज उसको हम परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं और कर दिया हमने। नेता को तो बस आदेश देना है, लड़ना थोड़ी नहीं है, जवान को आदेश दे, मात्र एक घंटे में पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में मिला लिया जाएगा, पूरे सैनिकों को कैप्चर कर लिया जाए, बट ये आदेश तो दे। इंतजार करो, हिसाब तो होगा, जो तुमने किया उसका जवाब तो तुम्हें देना होगा। जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले से अगर पाकिस्तान, हमारा कोई भी दुश्मन देश या कोई भी आतंकी संगठन अगर ये समझता है कि हम घबरा गए हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। इसका जवाब जरूर मिलेगा, पूरा विश्वास है। मुझे गर्व है बिहार के इन दोनों सपूत पर, सीआरपीएफ के, और गर्व है 40 जवानों पर सीआरपीएफ के। पूरा देश बुलंदी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आतंकवाद के सामने हिंदुस्तान नहीं झुकेगा। देश के दुश्मनों कान खोल कर सुन लो, कारवां न कभी रुका था, न रुका है और न ही कभी रुकेगा। हस्ती न कभी मिटी थी और न ही मिटेगी। हमारा मनोबल सर ऊंचा है, हम कभी नहीं हार मानने वाले हैं। कनवाई पर अटैक हुआ है, फिर भी आज हमारी कनवाई गई है और हमारा मनोबल हमेशा अप है, अप रहेगा। तुम हमें जितना तोड़ने की कोशिश करोगे, हम उतना ही मजबूत होंगे। तुम हमें जितना मजबूर समझोगे, हम उतने ही मजबूत होंगे। तुम हमारे 40 वीर सपूतों को हमसे छीन कर सूरमा समझने की भूल ना करो। तुम हमारी आत्मा को नहीं मार सकते, वो आज भी हमारे साथ हैं और कल भी हमारे साथ रहेंगे।